मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु जीवन अमृत योजना अंतर्गत आयुर्वेद औषधि काढ़े का मुफ्त वितरण करवा रहे हैं। आयुष विभाग और नगर परिषद भिकनगांव कर्मचारियों द्वारा डोर टू डोर वितरण किए जाने का कार्य आज 8 मई को अध्यक्ष नगर परिषद भिकनगांव और जन प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। भिकनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। आयुष विभाग आज किस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे रहा है? ये आयुष विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये त्रिकटु चूर्ण काढ़ा पूरे प्रदेश स्तर पर हर शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर यह वितरण होगा। इसमें जिला आयुष विभाग की टीम और हमारे नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड के अंदर एक एक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा यह वितरित पूरे नगर के अंदर यह काढ़ा वितरित किया जाएगा। ये क्या हर परिवार को दिया जाएगा? बिल्कुल, ये हर परिवार, प्रत्येक परिवार को एक, और अगर ज़्यादा सदस्य होते हैं जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया तो बड़े परिवार के अंदर दो पैकेट भी वितरित करेंगे। ये क्या ये सदस्यों की संख्या के आधार पर बांटा जाएगा? हाँ, ये सदस्यों की संख्या के आधार पर, अगर संख्या जिनका जैसा निर्धारण है इनका आयुष विभाग का, उसके आधार पर हाँ 5 सदस्य पर एक है ना, और उसके अतिरिक्त अगर ज्यादा सदस्य होते हैं तो पैकेट भी वितरित करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।